भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के द्वारा 2024 लोकसभा आम चुनाव की घोषणा कर दी गई है, जिसके साथ ही देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। 18वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में चुनाव का ऐलान किया गया है, जबकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के साथ ही देश भर में आम चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। 28 मार्च गुरुवार से भागलपुर में दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर नॉमिनेशन शुरू होगा और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल होगी। 5 अप्रैल को स्क्रूटनी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 8 अप्रैल होगी। 26 अप्रैल को भागलपुर में मतदान होगा और मतगणना 4 जून को होगी। वहीं इसको लेकर भागलपुर समीक्षा भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। डीडीसी कुमार अनुराग, सीटीएसपी राज, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी और जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक नागेंद्र गुप्ता की मौजूदगी में जिला निर्वाचन पदाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने बताया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के साथ ही धारा 144 लग जाएगी, जिसके तहत 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का मजमा अवैध होगा, जबकि बिना अनुमति के किसी प्रकार के जुलूस, सभा, बैठक, चुनावी सभा या इस तरह की गतिविधि के लिए एसडीओ से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। डीएम ने कहा कि अगर किसी प्रकार से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने की सूचना मिलती है तो चुनाव आयोग और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी सरकारी परिसर में लगे बैनर, पोस्टर को 24 घंटे के अंदर हटाया जाएगा, जबकि यदि निजी घरों या परिसरों में लगे पोस्टर बैनर के लिए उस मकान का परिसर के मालिक से अनुमति लेना आवश्यक है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सुविधा पोर्टल की जानकारी देते हुए कहा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या व्यक्ति निर्वाचन से संबंधित किसी कार्यक्रम या सुविधा के लिए जरूरी दिशा निर्देश का पालन करते हुए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद उस एप्लीकेशन को सिंगल विंडो सिस्टम से डिस्पोजल किया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने कहा कि सभा के लिए हेलीकॉप्टर लाने की जानकारी और अनुमति लेना अनिवार्य होगा, साथ ही सभी सभा और जुलूस की वीडियोग्राफी कराई जाएगी, जिसके आधार पर आगे जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। किसी भी काफिले में अधिकतम 10 वाहन शामिल हो सकेंगे, लेकिन 5 वाहन के बीच 100 मीटर की दूरी होनी चाहिए, जबकि किसी भी पार्टी को सभा या चुनावी कार्यक्रम के लिए नियत समय के लिए जगह उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे तय समय के बाद अगर उसी स्थान पर दूसरी पार्टी को कार्यक्रम करना हो तो उसे वह स्थान उपलब्ध कराया जा सके। एक ही रूट और समय पर दो दलों को जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिससे कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। डीएम ने कहा, राजनीति से जुड़े कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य पॉलिटिकल व्यक्ति के जीवन, जाति, धर्म, संप्रदाय से संबंधित कोई टिप्पणी नहीं करें। किसी भी मंदिर, मस्जिद, चर्च या कोई धार्मिक स्थल का उपयोग पॉलिटिकल प्रचार प्रसार के लिए नहीं किया जाएगा और लाउडस्पीकर या साउंड के लिए परमिशन लेना अनिवार्य होगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन सभी से करने की अपील करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी मतदाता बढ़ चढ़ कर लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और आज से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, धारा 144 लग गया है, जिसमें कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का कहीं भी मजमा वो अवैध करार दिया जाता है। यानी कि कहीं भी कोई सभा होगी, कोई जुलूस होगा, कोई एग्रीगेशन होगा, तो उसकी अनुमति पूर्व में ही एसडीओ से लेना पड़ेगा और उसको पालन अनुपालन करना मैंडेटरी होगा। अन्यथा धारा 144 के उल्लंघन के साथ साथ यदि इलेक्शन संबंधित कोई वहाँ बैठकें चल रही है तो उसमें हम लोग इलेक्शंस के डिफरेंट सेक्शंस के तहत उसमें आईपीसी के सेक्शंस भी हम लोग इम्पोज करेंगे। आप अवगत हैं कि अभी जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो जितने भी सरकारी हमारे परिसर हैं वहाँ बैनर, पोस्टर यदि किसी का लगा हुआ है उस बैनर पोस्टर को हम लोग रिमूव करते हैं, उसके लिए 24 घंटे का वक्त दिया गया है। साथ ही किसी निजी घर पे, किन्हीं के निजी घर पे कोई बैनर पोस्टर लगा हुआ है तो संबंधित बैनर पोस्टर लगाने वाली व्यक्ति का दायित्व तो होगा कि उस घर के मालिक से वो परमिशन ले कि इस खाता खेसरा की ज़मीन पर और जिसकी जो हद्दी ये है कि हम यहाँ पे पोस्टर लगा रहे हैं उनकी अनुमति लेना मैंडेटरी है। यदि वो अनुमति नहीं लेते हैं और वो जो घर के मालिक हैं वो कंप्लेन करते हैं तो उसमें डिफरेंट सेक्शंस के साथ साथ हम लोग भवन निरूपण यानी पब्लिक प्रॉपर्टी के निरूपण के लिए भी हम लोग उसमें सेक्शंस को इम्पोज करके FIR करेंगे। इसमें
एक सुविधा पोर्टल का विकास किया गया है, जिसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है या कोई भी व्यक्ति हैं जो इसमें निर्वाचन से संबंधित हैं, विभिन्न सुविधाओं के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन को सिंगल विंडो सिस्टम से हम लोग डिस्पोजल करते हैं। जैसे किन्हीं को कहीं सभा करानी है तो उसका एप्लीकेशन उस पर वेल बिफोर टाइम कम से कम 72 घंटा पहले हमें डालें, और जिस ज़मीन पे कराना है उस ज़मीन का NOC उनको लेकर के मैंडेटरी है कि प्रोवाइड करेंगे। यदि सरकारी भूमि पे है तब भी उनको मैंडेटरी है कि ज़मीन का NOC जो संबंधित विभाग है उनसे लेकर के डालेंगे। अब उसमें अन्य विभागों का जो NOC है वो हम लोग सिंगल विंडो सिस्टम से क्लियर करा करके देंगे। यदि हेलीकॉप्टर से फ्लाई कराना चाह रहे हैं, VIP आ रहे हैं, तो इसकी भी अनुमति उनको लेना मैंडेटरी है और उक्त अनुमति के आलोक में ही आगे कार्रवाई करेंगे। कोई भी सभा होगी, कोई भी जुलूस होगी, तो उसमें हम लोग वीडियोग्राफी मैंडेटरी कराएंगे जो हमारे कोषांग के द्वारा कराया जाएगा। उस वीडियोग्राफी को जो हमारा मॉडल कोड ऑफ का कोषांग है वो कोषांग उसको एग्जामिन करेगा और लगेगा कि नहीं मॉडल कोड ऑफ कनेक्ट का वायोलेशन है तो हम लोग उचित फिर कार्रवाई करेंगे। कोई काफिला है कहीं तो उस काफिले में अधिकतम 10 वाहन एक साथ मूव कर सकते हैं, फिर 100 मीटर का गैप देना पड़ेगा, फिर 5 वाहन मूव करेंगे, फिर 100 मीटर का गैप के बाद 5 वाहन मूव करेंगे, इसको फॉलो करना ज़रूरी है। यदि कहीं भी कोई सभा होती है, कोई जुलूस होती है, तो एक नियत अवधि के लिए हम लोग उसको परमिशन देंगे ताकि दूसरे कोई व्यक्ति यदि उसी ग्राउंड में सभा कराना हो तो उनको एक गैप के बाद हम उस ग्राउंड को दे सकें। कोई जुलूस होगा तो एक ही रूट पर 2 जुलूस को एक समय में हम लोग अलाउ नहीं करेंगे जिससे कि किसी प्रकार का विवाद हो। कभी कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पर्सन के निजी जीवन के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करें, यह अनुरोध है। ये मॉडल कोड का वायोलेशन है, यदि कंप्लेन करते हैं तो इस सेक्शंस में भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। कहीं भी किसी धर्म, जाति, भाषा, संप्रदाय पे कोई टिप्पणी नहीं होना चाहिए। कहीं भी कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च और कोई भी धार्मिक स्थल है वहाँ निर्वाचन संबंधी प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। कोई भी जो लाउड स्पीकर है वो चुनाव प्रचार के लिए परमिशन लेना मैंडेटरी है, क्योंकि उससे हम लोग एक्सपेंडिचर भी काउंट करते हैं। और दूसरा कि कई वाहनों पे लाउड स्पीकर लगा होता है तो वाहन पे तब तक लाउड स्पीकर नहीं अलाउ कर सकते हैं जब तक कि SDO का परमिशन उस पे नहीं हो, क्योंकि वाहन के पे खर्च में हमें शामिल करना पड़ता है। यदि लगा हुआ है किन्हीं के वाहन पे तो उसको रिमूव करेंगे, बिना SDO के परमिशन से वो वाहन पे लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते हैं। और मैं आपके माध्यम से समस्त राजनीतिक दलों से के प्रतिनिधि हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा, जिनको कभी ब्रीफ भी किया गया है, कि इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करें। हमने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कॉपी है हमने प्रोवाइड करा दिया है, और उस प्रोवाइड करने के बाद वो लोग उसको अनुपालन भी करेंगे। हम लोगों ने अभी ब्रीफ भी किया है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो अभी लग गया है। हमारे यहाँ जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन इशू ऑफ गजट नोटिफिकेशन, वो 28 मार्च को होना है, थर्सडे को लास्ट डेट, यानी उस दिन से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। 28 मार्च से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा थर्सडे से। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन वो 4 अप्रैल को होगा, थर्सडे को। फिर है डेट ऑफ स्क्रूटनी 5 अप्रैल फ्राइडे को होगा। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट्स 8 अप्रैल मंडे को होगा। और डेट ऑफ पोल जो 26 अप्रैल फ्राइडे को है। डेट ऑफ काउंटिंग 4 जून को है जो ट्यूसडे है। इस प्रकार से हमारे यहाँ दूसरे फेज में माननीय भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन की घोषणा की गई है। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होने के साथ ही देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही किसी भी सरकारी या सार्वजनिक परिसर में लगे पॉलिटिकल पार्टी के पोस्टर, बैनर या किसी दल के नेता की तस्वीर वाली पोस्टर या होर्डिंग को हटाने का निर्देश जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा जारी कर दिया गया है। इसको लेकर भागलपुर समाहरणालय परिसर समेत शहर के कई जगहों से और चौक चौराहों से बैनर पोस्टर हटाने का सिलसिला शुरू हो गया है, जो अगले 24 घंटे के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार भारत निर्वाचन के सभी दिशा निर्देशों का पालन कराने के लिए जरूरी पहल तेज कर दी गई है, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो सके। इसके बावजूद कोई भी पोस्टर, बैनर मिलने के बाद संबंधित व्यक्ति या दल के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। पोस्टर हटाने का जो है
कार्य क्रियाकलाप जो है सो स्टार्ट हो गया है। अभी जो है सो जिला समाहरणालय से जो फोटो युक्त पोस्टर हैं पार्टी के लिए भी, वो सारे जो है निगम क्षेत्र से आज हटा दिया जाएगा। आपकी जानकारी होगी कि आधार आचार संहिता जो है सो स्टार्ट हो गई है, प्रारंभ हो गई है। तो हमारे शहर में अनुमंडल पदाधिकारी का भी निर्देश प्राप्त हुआ है और सभी को भी जानकारी है कि अब आचार संहिता जो है सो लागू हो गई है, इसलिए हम लोग नगर निगम के कर्मी जो है पोस्टर बैनर हटाने का काम कर रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराए तथा सुनने की मशीन लगवाए। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। बिहार सरकार के कैबिनेट में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में 108 प्रस्ताव को स्वीकृति मिली, जिसमें भागलपुर के एयरपोर्ट को भी स्वीकृति मिली है। इसको लेकर हवाई सेवा से जुड़े सभी संगठन और समिति के सदस्यों ने शनिवार को भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से मिलकर बुके दिया और बधाई दी। वहीं भागलपुर में हवाई अड्डा बनाए जाने को लेकर लंबे समय से शहरवासी और तमाम संगठन क्रियाशील होकर अपनी आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन किसी न किसी बहाने यह प्रस्ताव टलता रहा। जबकि जिलाधिकारी की पहल पर इसको राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद भागलपुर में हवाई अड्डा बनने का रास्ता साफ हो गया है। इसको लेकर कमल जायसवाल ने कहा कि जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के प्रयास से भागलपुर में हवाई अड्डा बनने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है और चिन्हित जगहों पर 6000 वर्ग फीट का रनवे बनना है, जबकि यह भागलपुर के सपनों को साकार करने का प्रयास है। कल कैबिनेट की बैठक बिहार सरकार के द्वारा किया गया और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट हुआ, उस कैबिनेट में 108 प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। उसमें हम लोग के भागलपुर के एयरपोर्ट को लेकर जो कैबिनेट का स्वीकृति मिला है और जो हमारे यहाँ फलाफल मिला है, उसके लिए हम लोग भागलपुर के ऊर्जावान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जी से मिलकर उन्हें बधाई देने आए कि भागलपुर हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति अपने तमाम सामाजिक संस्थाओं की ओर से, चाहे वो दुर्गा पूजा महासमिति हो, काली पूजा महासमिति हो, स्टंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ के लोग हों, सभी संस्था यहाँ आकर सर को जो है हम लोगों ने उनको बधाई दी। वहीं श्रवण बाजोरिया ने कहा कि भागलपुर हर तरह से हवाई सेवा के लिए उपयुक्त जिला रहा है, जबकि व्यवसायियों के साथ चिकित्सा समेत पर्यटन के लिए भी भागलपुर उपयुक्त स्थान है। उन्होंने कहा कि हवाई सेवा नहीं होने के कारण जहां कई विकास कार्य बाधित होते रहे हैं, वहीं बड़े व्यवसायी और चिकित्सक भी अपनी सेवा देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की कैबिनेट में स्वीकृति मिलने के बाद सभी भागलपुर वासियों में खुशी और उत्साह का माहौल है और हवाई सेवा शुरू होने से व्यावसायिक स्तर पर भी भागलपुर महत्वपूर्ण जिला बन जाएगा, जहां कम समय में पहुंचकर आम लोगों के साथ चिकित्सक या व्यवसायी सेवा के साथ अपने व्यापार को भी आगे बढ़ा पाएंगे। चैम्बर भी काफी दिनों से प्रयासरत है और चैम्बर ने चिट्ठी लेकर पीएमओ हाउस तक दिया है, माननीय मुख्यमंत्री को दिया है, पीएमओ हाउस से जवाब भी आया हम लोगों के पास फोन के द्वारा कि आपकी चिट्ठी प्रॉपर सेक्शन में भेज दी गई है, कार्रवाई चालू। अब जहाँ तक हवाई जहाज की बात है,
भागलपुर इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा व्यापारिक शहर है, इसके बगल में सुल्तानगंज है जो कि पूरे भारतवर्ष में एक स्थान जाना जाता है। यहाँ पे जो है उत्तर वाहिनी गंगा है और यहाँ से बाबा बैद्यनाथ की यात्रा की जाती है। इधर डॉक्टर डीपी सिंह ने कहा कि यह काफी सकारात्मक पहल है जिसके लिए भागलपुर के लोगों ने बहुत ही संघर्ष किया है और वर्तमान डीएम की पहल पर यह उपहार भागलपुर के लोगों को मिल पा रहा है जो हर क्षेत्र में विकास को तेजी से बढ़ाने में सक्षम साबित होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हवाई सेवा सभी के लिए उपयोगी साबित हो सकती है क्योंकि आपात स्थिति में कम समय में लोग दूर दराज या बड़े शहरों तक का सफर कर जरूरी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं जिससे विशेषकर चिकित्सा के क्षेत्र में इलाज से संबंधित लाभ मरीजों को मिल सकेगा। मौके पर विनय कुमार सिन्हा, अभय घोष सोनू, आनंद मिश्रा, ब्रजेश शाह समेत विभिन्न समितियों और संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। भागलपुर को भी एयरपोर्ट मिल रहा है, इसमें हमारे जितने भी जो उड़ान समिति के जितने जो है लोगों ने जितना सफल ये किया, मेहनत किया, और हमारे जो डीएम साहब हैं चौधरी जी, इन्होंने जिस तरह का जो सक्रियता दिखाई, जिस समर्पण से इन्होंने काम किया, उसके लिए हम लोग बधाई देने आए हैं। शहर के सारे लोग, शहर के सारे प्रबुद्ध जन और समिति के सारे लोगों ने इन्हें बधाई दिया